भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना की संकल्पना क्रांतिकारी हिंदुत्व के ध्वजवाहक देशभक्तों के प्रेरणा स्रोत स्वतंत्र वीर सावरकर जी की प्रतिमा का भव्य अनावरण केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के तत्वाधान में वीर सावरकर चौक पर हुआ। यह मलाड नगर निगम लिबर्टी गार्डन मलाड पश्चिम के सामने आयोजित किया गया था। इस अनावरण समारोह के अवसर पर पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, इस अवसर पर श्री सिद्धिविनायक गणपति न्यास कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, स्वतंत्रता वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत सावरकर, भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। प्रतिमा का अनावरण करते हुए सांसद पीयूष गोयल ने भारत की आजादी के सपूत वीर सावरकर के महान कार्यों और देश के प्रति अतुलनीय योगदान पर प्रकाश डाला। तेजिंदर सिंह तिवाना ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी सावरकर हमारे युवाओं के आदर्श और पूरे महाराष्ट्र का गौरव है। देश की आजादी के लिए जेल जाने वाले सावरकर जी के त्याग समर्पण योगदान और बलिदान को हमारी आने वाली पीढ़ियों को याद रखना चाहिए और प्रेरित करना चाहिए। इस उद्देश्य से स्वतंत्रता सेनानी सावरकर जी की एक प्रतिमा बनाई जा रही है। उनकी प्रखर लेखनी ने उस समय देशवासियों के दिलों में राष्ट्रवाद की विचारधारा पैदा की और आज भी सावरकर जी के दूरदर्शी विचार उनकी विरासत और विचार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं। भारत की आत्मा के साथ जुड़े हुए नहीं मिल रहा है। भारत के गौरव है और मेरा सौभाग्य है कि आज मलाड में वीर सावरकर जी के स्टैचू का अनिवार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला। वीर सावरकर जी हमें प्रेरणा भी देते हैं। वीर सावर जी का त्याग, स्वतंत्र वीर सावर का तप, उनकी तपस्या हमारे जैसे आगे चल के देश के लिए मर मिटने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मलाड और मालवली के लोगों के लिए, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए और इस क्षेत्र में रहने वाले सभी माता बहन बच्चे बुजुर्ग सभी को प्रेरणा देते रहेंगे। वीर सावरकर जी के आदर्श, उनके जीवन भर के सेवा, उनके जीवन भर का देश को समर्पित त्याग कि हम भी देश की विकास यात्रा में अच्छा काम करें और मलाड को भी सभी गलत कामों से और गलत लोगों से छुटकारा पाए। सर, राहुल गांधी जो बार बार सावरकर के नाम को लेकर अपमान करते हैं, कांग्रेस के नेता अपमान करते हैं, आप उस मुद्दे पे क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी हो या उनके जोड़ीदार हो उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, कांग्रेस पार्टी हो, वर्षाताई गायकवाड़ हो, उनकी यहाँ की अध्यक्ष नाना पाटोले हो, इन सभी ने इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या वो स्वतंत्र वीर सावरकर के सम्मान, क्या वो राहुल गांधी के वक्तव्यों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं या उसकी निंदा करते। एक प्रकार से राहुल गांधी जी बड़ी सोची समझी तुष्टिकरण के नीति के तहत वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं और उद्धव ठाकरे हो या आदित्य ठाकरे जी, चाहे वो नाना पाटेले हो, वर्षा गायकवाड़, चाहे शरद राव पवार हो, सुप्रिया सुले हो, ये सभी मिलकर जो वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं उसका जवाब महाराष्ट्र की जनता, उत्तर मुंबई और मुंबई की जनता और मलाड बालवाली में रहने वाले सभी लोग आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ हार, मुंह तोड़ पराजय महा विकास आघाड़ी को देकर वीर सावरकर के अपमान का बदला लेने की होड़ मची हुई है। क्रेडिट लेने की अभी कहा, बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ लोग क्रेडिट लेने की होड़ में पड़े रहते हैं। मुझे लगता है आपके मलाड के अंदर कुछ ज़्यादा उत्सुक हैं और उनको इतने सालों तक तो कभी ध्यान नहीं आया। मैंने जब कॉरपोरेशन के अधिकारियों को
और बाकी सभी महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को बुलाकर बार बार नियंत्रण किया, रिव्यू किया, तब मुझे तो कोई दिखा नहीं कि कभी भी यहाँ के स्थानीय आमदार ने कभी चिंता की हो कि काम तेजी से हो, समय पे हो। आज हमने उनको आमंत्रित किया, उन्होंने साथ में रह के खुशी जाहिर करनी चाहिए कि हमारे प्रयासों से तेज गति से काम पूरा हो रहा है। एक तरफ का दूसरा आने वाले 3-4 महीनों में पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूँ क्रेडिट सिर्फ जनता का है और सिर्फ जनता को इसका।